Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले एम्स पहुंचे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत जानने के लिए. आपको बता दें वाजपेयी जी की तबीयत बीते 3-4 दिनों से कुछ ज्यादा ही खराब चल रही है. वो दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं. उनका वेंटिलेटर पर रखा गया है 3-4 दिनों से. आज प्रधानमंत्री अब से कुछ देर पहले अपना सारा कामकाज छोड़कर अचानक एम्स पहुंचे और वाजपेयी जी की तबीयत का हाल जाना. 3 दिनों से इस वक्त की ये बड़ी खबर है. ये तस्वीरें आप एम्स की देख रहे हैं. कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हालचाल जानने के लिए एम्स पहुंचे थे. दिल्ली का एम्स सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल, सरकारी अस्पताल जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री का इलाज चल रहा है. उनको बीते 3 दिनों से वेंटिलेटर पर रखा गया है और एम्स में भर्ती हुए भी वाजपेयी जी को करीब 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है. उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी है. 4 दिन पहले उनको एम्स में भर्ती कराया गया, वेंटिलेटर पर रखा गया है. लेकिन आज 15 अगस्त के दिन तमाम कामकाज को छोड़कर जब राष्ट्रपति भवन में एट होम चल रहा था राष्ट्रपति का, उसके बीच प्रधानमंत्री मोदी वहां से निकले और वाजपेयी जी के हालचाल जानने के लिए एम्स पहुंचे हैं. सूत्रों के मुताबिक अभी वाजपेयी जी की हालत स्थिर बताई जा रही है. हमारे साथ मेरे सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त फोन लाइन पर हैं. अमिताभ, क्या अपडेट है वाजपेयी जी की तबीयत के बारे में? देखिए सुमित, पिछले 1 महीने से जब से अस्पताल में भर्ती हुए एम्स में, तब से हालत उनकी लगातार नाजुक बनी हुई है और उनको बाहर छोड़ा तक नहीं गया है, घर तक उनको ले जाने नहीं दिया गया. तो जाहिर तौर पर स्थिति नाजुक है और आज स्थिति और नाजुक अभी भी बनी हुई है. इसलिए आपको प्रधानमंत्री को जाना पड़ा है अपने तमाम काम काज छोड़कर. प्रधानमंत्री ने अपने लाल किले के भाषण में भी आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी और उनसे प्रेरणा लेने की बात की थी. तो जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय है बीजेपी के लिए, सरकार के लिए, अटल जी की नाजुक स्थिति को लेकर. हालांकि करीबी सूत्र बता रहे हैं कि यथास्थिति बनी हुई है, नाजुक स्थिति बनी हुई है, लेकिन वाजपेयी जी स्टेबल हैं. लेकिन प्रधानमंत्री का जाना है कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता जरूर जताता है. जी अमिताभ, आप रहिए मेरे साथ. लगातार वहां पर केंद्रीय मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला अब एम्स में शुरू हो गया है. प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी एम्स पहुंची है. तस्वीरें में आप देख सकते हैं स्मृति जी वहां मौजूद हैं. साथ में इन तस्वीरों में रंजन भट्टाचार्य, वाजपेयी जी के परिवार के सदस्य रंजन भट्टाचार्य भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जिनसे स्मृति ईरानी इन तस्वीरों में आप देख सकती हैं हालचाल जानती दिखाई दे रही हैं. वाजपेयी जी हिंदुस्तान के वो शख्स जिन्होंने इस देश पर राज किया प्रधानमंत्री के तौर पर, पहले 13 दिनों तक, फिर 13 महीने तक और फिर 6 साल तक वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे. वाजपेयी जी के बारे में बीजेपी के जितने बड़े कद्दावर नेता वो हैं, उतना बड़ा नेता उस कद का अभी तक कोई नहीं हुआ है. स्मृति ईरानी पहुंची हैं कुछ देर पहले, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं. इसीलिए वाजपेयी जी की सेहत को लेकर, तबीयत को लेकर अचानक से अटकलों का बाजार भी गर्म है. एम्स के बाहर जो मुझे बताया जा रहा है वहाँ पर अब धीरे धीरे कर उनके चाहने वालों का तांता भी लग रहा है. अमिताभ सिन्हा मेरे साथ मौजूद हैं. हालांकि अमिताभ बता रहे हैं कि सेहत यथास्थिति है, नाजुक जरूर है पर यथास्थिति बनी हुई है. अमिताभ, डॉक्टरों का क्या कहना है, किस बात की तकलीफ है वाजपेयी जी को? देखिए वाजपेयी की मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं सुमित. पिछले 10 सालों से लगातार वो, आपको याद होगा, उनको पब्लिक व्यू के नहीं लाने दिया जाता है. आपको सिर्फ उनके जन्मदिन के दिन उनको दर्शन के लिए जनता उनके घर जाती है दर्शन के लिए. तो उनकी स्थिति बहुत खराब है. उनको लिक्विड डाइट से लेकर हर चीज़, लीवर, किडनी फेलियर, तमाम चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं जो कई दिनों से वाजपेयी जी जिसको झेल रहे हैं. और बढ़ती उम्र के साथ साथ इन सारे सिस्टम्स धीरे धीरे फंक्शन करना बंद कर रहे हैं. 93-94 साल के हो चुके हैं वाजपेयी जी. तो जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय है और इसलिए इनसे भर्ती किया गया था क्योंकि सांस लेने में तकलीफ से लेकर हर चीज़ उनको हो रही थी. तो अब स्थिति नाजुक है. जो करीबी सूत्र एम्स के वो बता रहे हैं कि स्थिति नाजुक बनी हुई है अभी. जी, नाजुक बनी हुई. क्या अभी भी वेंटिलेटर पर है पूर्व प्रधानमंत्री? इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है लेकिन वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्रिटिकल है तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम वगैरह उनको दिया जा रहा है ताकि उनकी आयु को और खींचा जा सके, स्थिति को स्टेबल, उनकी स्थिति को स्टेबल बनाया जा सके. अमिताभ, काफी दिनों से वाजपेयी जी की तबीयत खराब चल रही थी. एम्स में कब से भर्ती हैं?
कब लगभग एक महीने हो गए हैं सुमित, आपको याद होगा एम्स में भर्ती हुए थे तब भी प्रधानमंत्री गए थे। प्रधानमंत्री जब एम्स में टनल का उद्घाटन करने गए थे और सफदरजंग के एक स्पेशल वार्ड का उद्घाटन करने गए थे, तब भी अपने कार्यक्रम के ठीक बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने उनके आईसीयू यूनिट स्पेशल वार्ड में जाकर अटल बिहारी वाजपेयी से मिले थे। तो ये प्रधानमंत्री चौथी बार पिछले एक महीने में अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने पहुंचे, उनके परिवार से मिलकर हालचाल पूछा है, अस्पताल के डॉक्टरों से उनका हालचाल पूछा है। तो जाहिर तौर पर मंत्रियों का आना जाना भी लगातार बना रहा है। दो दिन पहले आपको याद होगा राजनाथ सिंह और अमित शाह भी वहां पर रविवार को गए थे। तो एक लगातार मंत्रियों का, प्रधानमंत्री का लगातार तांता लगा हुआ है और ये दिखाता है कि किस तरह से वो युग पुरुष रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के लिए और देश के लिए, और प्रधानमंत्री कितना सम्मान करते हैं उनका। बिल्कुल, और हमको याद है हालांकि सार्वजनिक जीवन से वाजपेयी जी काफी अरसे से दूर हैं, काफी दिनों से वो बीमार चल रहे हैं। पहले उनका अपने घर में ही 6-6 कृष्ण मेनन मार्ग, जहाँ पर उनको सरकारी निवास मिला हुआ है पूर्व प्रधानमंत्री के नाते, वहाँ उनका घर में रहकर इलाज चलता रहा कई सालों तक। अमिताभ, लास्ट टाइम वाजपेयी जी कब कब देखे गए थे, तस्वीरों में, वीडियो में? सुमित, आखिरी अगर मुझे याद आता है तो भारत, जब उन्हें भारत रत्न दिया गया था और तमाम सरकार के तमाम लोग वहां पहुंचे थे, प्रधानमंत्री वाजपेयी खुद वहां पर थे, तब उनकी एक तस्वीर जो पब्लिक फिगर उनकी एक सामने आई थी भारत रत्न उनको अवार्ड देते हुए। और उसके पहले अरसे तक मुझे लगता है कि सिर्फ जन्मदिन के दिन होता है। हाँ, हम पत्रकार अंदर नहीं जा पाते, लेकिन जो उनके बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के मंत्री और नेता हैं, वो उनके जन्मदिन के अवसर पर जरूर उनके घर जाते रहे हैं, उनके दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। और उनके उनकी पुत्री नमिता और उनके दामाद रंजन भट्टाचार्य लगातार उनके साथ मौजूद रहे हैं, एम्स में भी लगातार वो मौजूद हैं उनके जो पर्सनल स्टाफ हैं उनके साथ साथ। तो मुझे लगता है कम से कम सुमित, मुझे जहां तक मेरी याद जाती है 2008 या 9 उसके बाद से उनका पब्लिक दर्शन जो है वो लगातार धीरे धीरे बंद होता चला गया। 2007 में उन्होंने एक आखिरी चिट्ठी लिखी थी, आपको याद होगा भोपाल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी, जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि मैं वापस आऊंगा, बीजेपी के नेताओं को एक संदेश भेजा था, उसके बाद से उनका कोई सार्वजनिक खत वगैरह नहीं आया। तो क्या अमिताभ, ये मैं आपने जो बात की अपने सूत्रों से, एम्स के डॉक्टर्स वगैरह से, क्या हम ये कह सकते हैं कि चिंता की बात नहीं है? देखिए, चिंता की बात नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता सुमित। एक चीज तो मैं कह सकता हूँ, स्थिति नाजुक बनी हुई है और अभी जिससे भी बात करो सही है बोल रहा है कि देखिए सब स्थिति काबू में है और दुआ कर रहे हैं कि सब आगे ठीक ठाक चलता रहे। अमिताभ, आप रहिए मेरे साथ, हम सब की भी दुआएं हैं वाजपेयी जी की उम्र और लंबी हो। प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलकर आए हैं, जैसे कि अमिताभ ने कहा कि राजनाथ सिंह भी दो दिन उनसे पहले मिले थे, अमित शाह भी मिले थे, स्मृति ईरानी भी आज पहुंची हैं। इन तमाम खबरों के बीच में ये खबर आना कि उनकी तबीयत खराब है, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है, हालांकि अमिताभ भी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स का ये कहना है कि नाजुक ज़रूर है तबीयत, लेकिन अभी वो इसको क्लोजली पूरी जो मेडिकल टीम है उनको मॉनिटर कर रही है। मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी जुड़ गए हैं। रामकृपाल जी, इन तमाम खबरों को जोड़ के देखें तो क्या उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाना? आप भी प्रेयर कर रहे हो? वाजपेयी जी स्वस्थ रहें, ये मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं होगा, उनके जो वैचारिक विरोधी होंगे वे भी वाजपेयी जी को स्वस्थ देखना चाहते होंगे। एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी, जाहिर सी बात है कि वे उनकी वो दीर्घायु हों रहें, बिल्कुल, लेकिन एक चिंता की बात ये हो रही, जिस तरह से अचानक मोदी जी पहुँचे हैं और जो घटनाएँ हो रही, कहीं ना कहीं से ये एक चिंता की बात तो है कि कुछ स्थिति गंभीर हुई है। हम यही सिर्फ दुआ कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि जितना ही ज़्यादा वो दीर्घायु रहें। आप, क्योंकि आप वो का लास्ट मीटिंग कुछ याद है? मुझे तो बहुत एक गर्व होता है कि मैं लखनऊ में जब नवभारत टाइम्स का संपादक था जी, तो वाजपेयी जी अपोजिशन में थे और लखनऊ से कभी वो लड़ते थे जी, उनके लोकसभा क्षेत्र। नवभारत टाइम्स में एक बहुत छोटी सी अचानक एक दिन फ़ोन आया कि आपसे वाजपेयी जी बात करना चाहते हैं। मैंने बात किया तो उन्होंने शुरू के बारे, भाई वो आपके यहाँ एक क्या खबर छप गई है मोहनलालगंज के बारे में? वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अगर कोई निगेटिव खबर छप जाती थी दिल्ली से उन्होंने फ़ोन किया। मतलब इतना केयर करने वाला एक जिस हैसियत पर वाजपेयी जी बाद में बने, जब प्रधानमंत्री यहाँ रहे तो हम लोगों में, हम नवभारत टाइम्स संपादक दिल्ली में थे, हमें मिलने का अवसर मिला, तब भी उन्होंने पूछा कि कैसा चल रहा है आपका अखबार लखनऊ में, और बाकी साथियों के बारे में पूछते रहे।
मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको देख करके मैं चुप हो जाता था, स्तब्ध रह जाता था, मुझे लगता था कि उनको सिर्फ देखता रहूं, मैं उनसे कोई बातचीत न करूं। तो एक मन में छाप छोड़ने वाले, जब मैं बचपन में बच्चा था तब इनकी भाषा इनकी रैलियों में जाया करता था सिर्फ सुनने के लिए, क्योंकि वाजपेयी जी का भाषण ऐसा होता था कि उसको सुनने के लिए बच्चे बूढ़े सब उमड़ते थे जब मैं पढ़ता था। और जब एक प्रधानमंत्री के रूप में मुझे बुलाया गया और एक मिलवाया गया संपादक के रूप में, तो देखा मैंने कि कैसे इतने सरल स्वभाव के, ऐसे ही जैसे पूछ रहे थे कि मेरे सब कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरे पत्रकार मित्र लखनऊ के ठीक हैं, तो मैं कह सकता हूँ हम जब संसद कवर कर रहे थे सर, जब पीएम थे 6 साल के 98 से लेकर और 2004 तक, उस दौरान में जब प्रमोद महाजन हुआ करते थे, अडवाणी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, संसद में खड़े होकर उनके भाषण, वो जो दौर था बीजेपी का विश्वास मत हासिल करने वाला भाषण, जब उन्होंने इस्तीफा दिया जाकर 13 दिन के बाद, वो जो भाषण है वो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा के लिए, मतलब ऐसे साबित, कोई भी जो राजनीति का छात्र है उनके लिए बहुत जरूरी है उन चीज़ों को सुनना समझना। यही बात आपसे वाक्य कहना कह रहा हूँ कि वो जिनकी आलोचना करते थे वे भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे सुन के, उनके उनकी आलोचना को भी सुनना एक एक बहुत उत्साह का विषय था। और जिस भाषण की आप बात कर रहे हैं, आप देखिए वो हम वो जरूर कर रहे थे हमला अपने विरोधियों पर, लेकिन किस तरह से वे लोग मुस्करा करके, वो एक एक मतलब एक बड़ी, जिसको आप कहते हैं ना कि बड़े, उसको एक अच्छे संदर्भ में ले रहे थे। वाजपेयी जी एक ऐसे निर्विवाद नेता रहे हैं जिनका दुश्मन ढूंढना मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान में मुश्किल होगा। बिल्कुल, बहुत बड़े स्टेट्समैन हिंदुस्तान के, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, 9 बार के सांसद हैं, 3 बार प्रधानमंत्री बने, पहली बार 13 दिन के लिए, फिर 13 महीने के लिए, और फिर बाद में पूरे टर्म के लिए यानी 5 साल के लिए, 1999 से लेके 2004 तक, 1996 से लेके 2004 का जो दौर रहा, बीच में कुछ दिनों के लिए देवेगौड़ा साहब और गुजराल साहब भी पीएम बने, लेकिन वो दौर पूरा भारतीय जनता पार्टी के का कह सकते हैं कि जो संन्यास था या भारतीय जनता पार्टी का जो अछूतापन था हिंदुस्तान की राजनीति में, कि वो सांप्रदायिक पार्टी कही जाती थी, वो तोड़ा वाजपेयी जी की छवि ने। और ये वाकई में अपने आप में बहुत बहुत बड़ी सफलता इसको कही जा सकती है, जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन की सरकार को खींचा और तमाम गठबंधन को सरकार पार्टियों को जोड़कर पूरा टर्म पूरा किया 99 से लेकर 2004 तक का, ये उनकी सबसे बड़ी काबिलियत के तौर पर देखा जाता है। हम सब भी ये दुआ करते हैं यहाँ स्टूडियो में बैठकर कि वो सेहतमंद रहें, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और जल्दी अपने घर पहुँचें। पिछले 1 महीने से वाजपेयी जी एम्स में हैं और 3 या 4 दिनों से वेंटिलेटर पर हैं, और आज उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अपना सारा कामकाज स्वतंत्रता दिवस से जुड़ा हुआ छोड़कर एम्स पहुंचे थे। इसीलिए इस वक्त ये खबर बहुत बड़ी हो गई थी, इसीलिए इस खबर को आपको बताना, आपको एहसास कराना हमारे लिए बेहद ज़रूरी था। अब लौटते हैं आज के हमारे कार्यक्रम पर, हम तो पूछेंगे में आज भी बात होगी अटल बिहारी वाजपेयी के ही फॉर्मूले की, उस फॉर्मूले की जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से किया। कश्मीरियत की बात की, जमहूरियत की बात की, वो तमाम चीज़ें, इंसानियत की बात की जिसके ज़रिए वाजपेयी जी कश्मीर के लोगों को जीतना चाहते थे, उसी कश्मीर के उसी मोदी वाजपेयी फॉर्मूले को अब मोदी सरकार अपनी कश्मीर नीति के तौर पर आगे प्रोजेक्ट कर रही है, अगली बड़ी कामयाबी के तौर पर, जिसके ज़रिए उसको लगता है कि कश्मीर को जीता जा सकता है। सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, इसी पर हम डिबेट भी करेंगे। मैं अपना सवाल आज का आपके लिए दोहराता हूँ और आपके जवाबों का हमको इसके दौरान इंतज़ार भी रहेगा कि क्या मोदी सरकार कश्मीर को आतंकवादियों और पत्थरबाजों से आज़ाद करा पाएगी। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP space देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP space देकर N लिखिए, 51818 पर आप SMS कर सकते हैं #HTP और #कश्मीर पर मोदी नीति, इसके ज़रिए आप ट्वीट भी कर सकते हैं और फेसबुक पर जा सकते हैं। लेकिन पहले देखते हैं दिन भर का ये बड़ा घटनाक्रम, जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीति को याद किया। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, न गोली न गाली, मोदी नीति से आतंकवाद से आजाद।
हम गोली और गाली के रास्ते पर नहीं, गले लगा करके मेरे कश्मीर के देशभक्ति से जीने वाले लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम पिछले साढ़े चार पाँच साल में केवल भाषण सुनते आ रहे हैं। जिस कश्मीर में गोलीबारी, बम धमाके और एनकाउंटर आम है, जिस कश्मीर की पहचान नारेबाजी और पत्थरबाजी हुआ करती थी, जिस कश्मीर के युवा गुमराह होकर आतंकियों के पोस्टर बॉय बन जाते थे, वही कश्मीर अब देश पर जान देने वाले पुलिस अफसर और जवान देने लगा है। जिस कश्मीर में अलगाववादी नेता बेलगाम होकर पाकिस्तान परस्ती की बोली बोलते थे, उन पर अब लगाम कस गया। कश्मीर बदल रहा है और बदलते कश्मीर के साथ मौजूदा केंद्र सरकार की नीति भी बदल रही है। जम्मू और कश्मीर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें रास्ता दिखाया है और वही रास्ता सही है, उसी रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। लाल किले के प्राचीर से गोली, गाली और गले की बात प्रधानमंत्री ने पहले भी की थी, लेकिन पहली बार उनकी जबान पर अटल नीति आई, जो अब मोदी नीति में बदल रहा है। वाजपेयी जी ने कहा था, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, इन तीन मूल्य मुद्दों को लेकर के हम कश्मीर के विकास के लिए, चाहे लद्दाख हो, चाहे जम्मू हो या श्रीनगर वैली हो, संतुलित विकास हो, समान विकास हो, वहां के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बल मिले और साथ साथ जन जन को गले लगा करके चले। आज भी उन्होंने सिर्फ देश को जुमलेबाजी के घेरे में रखा है और जो भी उन्होंने बात कही है वो सिर्फ नारेबाजी है, जुमलेबाजी है। मोदी सरकार की सख्त नीति ने घाटी में आतंकियों की कमर तोड़ दी है। इस साल अब तक 116 आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। बीते साल भी 213 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। नतीजा ये कि आतंकी वारदात में कमी आई। राज्यपाल शासन के बाद तो इसे हर कोई महसूस कर रहा है। बदलते माहौल ने प्रधानमंत्री को लाल किले से एक अहम ऐलान करने का मौका दे दिया। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के गांव का हर इंसान मुझे एक साल से आकर के मांग कर रहे थे, वहां के पंच मुझे सैकड़ों की तादाद में आकर के मिलते थे और वो मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हमें पंचायतों के, स्थानीय निकायों के चुनाव दीजिए। किसी न किसी कारण से वो रुका हुआ था। मुझे खुशी है कि आने वाले कुछ ही महीनों में जम्मू कश्मीर में गांव के लोगों को अपना हक जताने का अवसर मिलेगा। जम्मू कश्मीर को लेकर के प्रजातांत्रिक प्रणाली वहां पर पूरी तरह जड़ें पकड़े उसकी प्रतिबद्धता को सिद्ध करते हुए उन्होंने स्थानीय इकाइयों में चुनाव की योजना की घोषणा की। कश्मीर बदल रहा है, लेकिन अभी आतंक का जड़ से खत्म होना बाकी है। आतंकियों की ढाल बनने वाले पत्थरबाजों को सही रास्ते पर लाना बाकी है। जब तक ऐसा नहीं होगा, कश्मीर की जनता पूरी आजादी नहीं महसूस कर पाएगी। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या मोदी सरकार कश्मीर को आतंकवादियों और पत्थरबाजों से आजाद करा पाएगी? तो क्या इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, वाजपेयी जी का यह फॉर्मूला कश्मीर के लिए रामबाण साबित होगा मोदी सरकार के लिए? इसी पर बात करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय कराता हूं बारी बारी से। यहाँ स्टूडियो में रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, पहले से ही मौजूद हैं, इनसे आपने आप पहले भी बातचीत की हमने। साथ में ललित अंबरदार जी हैं, जो कि एक्टिविस्ट हैं। आपका स्वागत है ललित जी। कश्मीरी पंडितों की आवाज़ आप पुरजोर तरीके से उठाते हैं। और जो लोग बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तुहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मुंबई से मेरे साथ हैं। हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सीएलएलसी के मेंबर हैं। स्वागत है हरीश जी आपका। और साथ में मेजर जनरल जेबी जैनी साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ। और माजिद हैदरी, जो कि पत्रकार हैं, सेपरेटिस्ट लोगों की आवाज़ को राष्ट्रीय मीडिया पर रखने का काम बखूबी माजिद करते रहे कई दिनों से। आप सबका इस डिबेट में मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ माजिद साहब, अब जब प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत से बातचीत होगी, आपको लगता है कि इससे उम्मीद जगेगी घाटी में? जी, सबसे पहले तमाम देशवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
بالخصوص میں بھارت کے مسلمانوں کو اور مغلیہ سلطنت کو سلام کہ آج بھی اگر ہم لوگ اپنا سواتنتر دیوس مناتے ہیں تو مغلیہ سلطنت کے لال قلعے کے بغیر بنایا نہیں جاتا. اب جیسے کہ آپ نے بات کہی واجپائی جی کے فارمولے کی, بدقسمتی یہ ہے کہ واجپائی جی ہندوستان کے بہت ہی بڑے بہت ہی ویٹرن پولیٹیشین رہے ہیں, بی جے پی کو انہوں نے نئی جان دی, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو ان کا یہ جو فارمولہ تھا اس فارمولے کو محاورہ بنا لیا گیا. کشمیریت جمہوریت انسانیت ایک محاورہ بن کے رہ گیا. بی جے پی کی حکومت آئی تھی, مودی جی ایک اسٹرانگ مین ہے, ایک مودی سرکار آئی تھی, بی جے پی کی حکومت نہیں تھی, مودی سرکار تھی. کشمیر کے لوگوں کو ایکسپیکٹیشن تھی, امید تھی کہ اس حکومت کے دوران کشمیریت جمہوریت اور انسانیت کے معاملے کو آگے لے کے لیا جائے گا اور مسئلہ کشمیر حل کیا جائے گا. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ماجد بھی پردھان منتری جی وہی بات دوہرا رہے ہیں, کچھ بات عمل نہیں کر رہے. آزادی کی بدھائی دی, اس کے لیے شکریہ, محاورے دوہرائے جا رہے ہیں. آپ کو بھی بدھائی ہو آزادی کے دیوس کی, اور آپ ایسی آزادی سے اپنی بات کہہ سکے اس کی میں منوکامنا بھی کرتا ہوں. پر مجھے بتائیے, ایک جمہوریت انسانیت کشمیریت یہ صرف دلی کے لوگ ہی بولیں گے, یہ سری نگر کے لوگ نہیں بولیں گے, یہ ڈاؤن ٹاؤن کے لال چوک کے لوگ نہیں بولیں گے کہ انسانیت ہونی چاہیے. جب برہان وانی بندوقیں اٹھاتا ہے اور عام ہندوستانی کو مار دیتا ہے, فوج کو حملہ کرتا ہے, تو وہ انسانیت کی تصویر تھی کیا؟ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہو؟ دیکھیں, سب سے پہلے انسانیت کی تصویر جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم بھارتیہ آرمی کے تھرو دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو میجر آدتیہ ہیں جن پہ 3 انسانوں کا قتل کرنے کا کیس چل رہا ہے, جن کو ایف آئی آر کیا گیا ہے, جن کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی اس وقت کیس ہے, ان کو آج شوریہ چکر دیا گیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو قاتل ہیں ان کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں. اب قاتل بول رہے ہیں, بجائے اس کے کہ انسان کو سزا دی جائے, اس کو سائیڈ پہ کیا جائے, تو آپ قاتل بول رہے ہیں بیٹھ کر کے. آپ یہ آپ کو آزادی نہیں دلائی ہے, یہ آپ کو آزادی نہیں آزاد دلائی ہے کہ آپ اس طرح کی بات کر سکیں ایک ایسے آفیسر کے بارے میں جس کو ہندوستان کی عوام, یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, آپ قانون میرے سے بہتر جانتے ہوں گے, فنڈامنٹل رائٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں, دیش کا قانون دے رہا ہے. پہلے جنرل جینی, توہین میں آ رہا ہوں, میں جانتا ہوں توہین آپ بولنا چاہ رہے ہیں. جنرل جینی, جنرل جینی, یہ کسی بھاجپا والے نے نہیں بنایا, یہ کسی بی جے پی کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ کی دقت دلی سے ہے کہ آپ کی دقت بی جے پی سے ہے؟ بھائی ماجد بھائی, دلی میں جو بیٹھتا ہے آپ اس کے خلاف بولتے ہیں. منموہن سنگھ کو کیا آپ گلے لگاتے تھے کیا؟ منموہن سنگھ جب پردھان منتری تھے کیا تو کشمیر میں پھول کھل رہے تھے؟ وہاں تب ہتیائیں نہیں ہو رہی تھی کیا؟ تب آتنکوادی نہیں پل پڑ رہے تھے؟ وہی تو بدقسمتی رہی. کیا بات کر رہے ہیں جناب آپ؟ وہی تو بدقسمتی رہی. آج آپ نے اپنے دشمن کے طور پر مودی کو رکھ دیا ہے, بی جے پی کو رکھ دیا ہے. واجپائی جی کا فارمولا آگے نہیں لیا گیا. جنرل جینی, اور اب جنرل جینی بھی وہ فارمولا آگے نہیں لیا, ایک مثالیہ بنا کے رکھ دیا. جنرل جینی, آرمی کے آفیسر کو قاتل کہا جا رہا ہے. پہلے ان کو چپ کریے. چپ ہے یہ بولیا. پہلے ان کو چپ کریے تو پھر میں بولوں گا. پہلے اگر ماجد حاضری, پہلے ماجد حاضری اگر سننے کی تھوڑی سی تکلیف کرے تو میں کچھ کہوں گا. پہلے تو ان کے خیال سیدھے کرنے ہیں کہ میجر آدتیہ قاتل نہیں ہے. میجر آدتیہ کے خلاف جو ایف آئی آر تھی وہ غلط تھی, وہ ایف آئی آر اویدھ تھی. آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ سیکشن 7 کے نیچے دیکھیں, اس چیز کا فیصلہ تو سپریم کورٹ کرے گا, آپ اور میں نہیں کریں گے. اور آپ جج ہیں نہ میں جج ہوں, سنیے, اس چیز کا فیصلہ تو عدالت کرے گی, آپ نہیں کریں گے. ماجد حیدری آپ سنیے, جب آپ بول رہے تھے میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا, کرپا کر کے تہذیب رکھیے اور سنیے. تو پہلی بات تو یہ, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قاتل ہے, اس کے اگینسٹ 3 مرڈر کا ایف آئی آر ہے, یہ غلط ہے. اب سوال پہ آتا ہوں جو میں سمیت نے پوچھا کہ انسانیت جمہوریت اور کشمیریت سے کیا حاصلہ حل ہو جائے گا. سمیت, ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ خالی کشمیر کا عوام نہیں ہے. ہاں, کشمیریت جمہوریت اور انسانیت کشمیر کے لوگوں کے ساتھ چل سکتی ہے, لیکن ماجد حاضری اینڈ کمپنی, یہ سیپریٹسٹ, یہ پاکستانی, ان کو کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ ان کے ساتھ کوئی انسانیت چل سکتی ہے؟ کوئی جمہوریت چل سکتی ہے؟ کوئی کشمیریت چل سکتی ہے؟ یہ کشمیری نہیں ہے, یہ پاکستانی ہے. تو کیا کشمیریت چلائیں گے آپ ان کے ساتھ؟ جنرل جینی سب لوگ بولنا چاہ رہے ہیں, سب کے پیشنس کا میں شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ بلٹن کی شروع میں بڑی خبر تھی واجپئی جی کی طبیعت کو لے کر, آپ سب نے صبر بنا کے رکھا, اس کے لیے شکریہ. ہیڈ لائنز کا وقت ہے, اس کے بعد ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتا ہوں. ہیڈ لائنز,
डिबेट में आगे बढ़ो, उसके पहले नतीजे देख लेते हैं, जनता क्या कह रही है। सवाल बहुत सीधा सा है कि मोदी सरकार कश्मीर को आतंकवादी और पत्थरबाजों से आज़ाद करा पाएगी। हाँ कहने वाले 78% हैं SMS पोल में, और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ट्विटर पोल में 79% लोग भी हाँ में जवाब दे रहे हैं, 79% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। मेरे साथ हरीश रावत जी हैं और तुहिन सिन्हा हैं, दो राजनीतिक शख्सियत, बारी बारी से उनके पास और फिर बाकी लोगों के पास। हरीश जी शुक्रिया, धन्यवाद, पहली बात तो आपके सब्र के लिए, और दूसरी बात जिस अटल नीति का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया कश्मीर के समाधान को लेकर, आपको लगता है कि ये आखिरी असॉल्ट है कश्मीर में के लोगों का दिल जीतने का, कश्मीर के लोगों को साथ लाने का केंद्र सरकार का? देखिए, सरकार जिस फॉर्मूले पे भी काम करना चाहती है काम करे, और कश्मीर में शांति बहाल होनी चाहिए, कश्मीर को विकास के रास्ते पर लौटना चाहिए, और कम से कम 2013-14 की स्थिति तो ये सरकार लाए जो स्थिति में हम कश्मीर इनको सौंप करके गए थे। आज सीमा पर भी बड़ी बुरी स्थिति है, और कश्मीर के हालात कहा जा रहा है कि 1990 से भी ज़्यादा बदतर हो गए हैं, और इन्होंने पहले उसका सॉल्यूशन PGP के साथ ढूंढा, इन्होंने अलायंस बनाया जी, और बाद में अलायंस तोड़ा जब हालात और बदतर हो गए, तो अब ये कहते हैं कि गवर्नर रूल के अंतर्गत हम कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, और उसके लिए इनको यदि वाजपेयी जी के फॉर्मूले की याद आई है तो बड़ी देर कर दी याद आने में, लेकिन आप करिए तो सही, कुछ करके तो दिखाइए, तो ही जवाब देंगे। पर हरीश जी, पर हरीश जी को अगर आज प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वो पंचायत चुनाव कराना चाहते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव कराना चाहते हैं, तो यही तो एक शांति बहाली की ओर बड़ा कदम दिखाई देता है कि चुनाव हो रहे हैं स्थानीय। मैं वही बात कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बात कही कि कहा मैं पंचायत के चुनाव करवाऊंगा। आप अनंतनाग में जहां आपकी पार्टनर मुफ्ती महबूबा साहिबा की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां तो आप लोकसभा का चुनाव करवा नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो है पंचायत के चुनावों की घोषणा कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी खाली एक जुमला हो तो, और अगले 4-6 महीनों में और जुमलों के साथ ये जुमला भी जो है बीजेपी का जवाब जाए। लेट बीजेपी रिस्पॉन्ड, तो हिंद आप कश्मीर में कुछ करिए। अनंतनाग का चुनाव तो आज तक करा नहीं पाए बाय इलेक्शन, कश्मीर में शांति की बात, इतना वक्त बीत चुका है, दो बार पोस्टपोन करना पड़ा के लिए, आतंकवाद के समाप्ति के लिए, कैसे कांग्रेस के आरोपों का जवाब देंगे? तो हिंद सेना तरीके से साथ है, तो हिंद सेना मगर हम जुमलेबाजी में उनके साथ नहीं है। देखिये, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना नाम जुमला पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि जितने बार वो इस शब्द का प्रयोग करती है कोई नहीं करती। खैर, मुद्दे पर आता हूं। ये ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने आज पहली बार वाजपेयी जी के इस फॉर्मूला का जिक्र किया है। 2014 के इलेक्शन के पहले नवंबर में उन्होंने इसी फॉर्मूला का जिक्र किया था, और ये फॉर्मूला क्या है ये भी हमारे मोदी जी बहुत डांटेंगे जुमलों पर, उनका मुझे पता नहीं। मैंने आपको नहीं टोका था, मैंने कहा मोदी जी आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आपको बीच में नहीं टोकना चाहिए। मोदी जी का एकाधिकार है, आप एक आपका मैं सम्मान तो करता हूं, आपको जो है बीच में नहीं टोकना चाहिए। मैंने कहा मोदी जी का जुमलेबाजी में एकाधिकार है, डांट खाने की आदत कांग्रेसियों को है अपने अध्यक्ष से, वो हमें आदत नहीं है। खैर, एनीवे मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता हूं। तो इस फॉर्मूला का जिक्र पहली बार मोदी जी ने 2014 में किया था, तो ये आज ऐसा नहीं है। और ये क्या फॉर्मूला है ये भी मैं आपको बताता हूं। विकास, स्नेह और कश्मीरियत और हिंदुस्तानियत का विलय, इसमें तीन कंपोनेंट है, ये भी हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जो एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था 2014 के अंत में, जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद हमें समझौता करना पड़ा था, और हम PDP के साथ मिलकर सरकार बनाए थे। तो कई बार जो लॉन्ग टर्म विजन होते हैं वो शॉर्ट टर्म फायर फाइटिंग में उस वो लॉन्ग टर्म विजन जो है कहीं खो जाता है, लेकिन उसकी स्पष्टता वो हमारे दिमाग में थी। अब जो कह रहे थे हरीश साहब कि 2013 में जो स्थिति थी वैसी स्थिति बहाल हो, तो मैं आपको बताऊं कि 2004 और 2014 में जिस तरह खुली आजादी दी गई थी टेररिस्ट को, एक तो आपको पता है कि POK से जो ट्रेड रूट्स थे वो हवाला मनी के फंडिंग का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुकी थी, और ये सारे हवाला मनी जो आते थे वो उग्रवाद को फाइनेंसिंग के लिए उसका प्रयोग होता था। दूसरा, जिस प्रकार
सरकार से मणि शंकर जैसे बड़े नेता जाके घुटने टेकते थे हुर्रियत के आगे, ये भी आपने देखा है। तो कई बार जब आप बीमारी को इग्नोर करते हैं कि हम 5 साल बाद इसका इलाज करेंगे, प्रॉब्लम नहीं, तो वो बीमारी इसकी जड़ में कांग्रेस की नीति है। तो 2015 से 2017 रावत जी 20 सेकंड्स, क्योंकि आपको जवाब देना चाहिए। रावत जी 20 सेकंड्स। जी मैं 20 देखिए 2013-14 में हम पंचायतों के चुनाव तक करवा करके ले गए। ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी रेस्टोर हुई कश्मीर के अंदर, लोगों ने 70-80% तक टर्नआउट रहा, जहां आज जो है इनके ये जो है 2-3% भी टर्नआउट ये लोकसभा के चुनाव के अंतर्गत नहीं करवा पाए। दोनों हालात में जो फर्क है वो साफ दिखाई देता है। एक तरफ कश्मीर का आवाम जमहूरियत के साथ खड़ा हुआ था हमारे समय में, शांति की ललित अंबरदार का रास्ता बना था, बोलना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ आप तब से बोलना चाह रहे हैं जब से माजिद हैदरी से मैं सवाल कर रहा था, पिछले एक साल से नहीं कर रहा है। ये है कश्मीर जमहूरियत इंसानियत पंचायत कर रहा है। अभी आज आपने भी वाजपेयी जी की बात की, मैं समझता हूँ आज की तारीख में हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस में अगर कोई कश्मीर को अच्छी तरह से पूरी तरह से हिस्टोरिकल रीजन से जानता है कि पृष्ठभूमि में जानते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी है। लेकिन बदकिस्मती से जो इस कुर्सी पे बैठते हैं दिल्ली में आके, वो कहीं ना कहीं नेहरू एंड कांग्रेस की पॉलिसी में जकड़ जाते हैं, चाहे वो वाजपेयी जी रहे हो, चाहे अभी की जो सरकार के, मुझे लगता है जो ये बार बार जमहूरियत इंसानियत और कश्मीरियत का नाम लिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कश्मीरियत को जो ये शब्द है ये रिसेंट ओरिजिन का है, पॉलिटिकल डेफिनेशन है। अगर ये कश्मीरियत कश्मीर में होती तो कश्मीर के हिंदुओं का जिनोसाइड नहीं होता, वो पिछले 40-30 साल से अपने ही देश के अंदर शरारती नहीं बने होते। दूसरी बात, ये कश्मीरियत और इंसानियत का रूप है कश्मीर का। दूसरी बात, जब जमहूरियत की बात करते हैं, क्या जमहूरियत की बात कर रहे हैं आप? जिन लोगों के साथ आप बात करना चाहते हैं जो भारत के विरोध में कश्मीर में है, उनका जमहूरियत का नजरिया क्या है? वो ये है यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा पाकिस्तान से रिश्ता क्या, लाला। अरे आप मुझे, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, लेट मी स्पीक, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। ये जो माजिद हादी ने अभी मुगलों का जिक्र किया, मुगलों की सल्तनत का जिक्र किया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मातृ वतन के साथ गद्दारी की और पाकिस्तान चले गए, जिन्ना के साथ चले गए, लेकिन उनमें से कुछ बच गए हैं अभी भी जो हिंदुस्तान को मुगलों की सल्तनत मानते हैं, इसको अपनी रियासत मानते हैं, तैमूर की सल्तनत मानते हैं, इस पे अपना हक जमाते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कश्मीर में जो इस्लामियत का जो दौर चल रहा है वहां पे, उनकी नजर कश्मीर पे नहीं रुकेगी, उनकी नजर लाल किले में है और वो कश्मीर को एक पैसेज बनाना चाहते हैं सिर्फ लाल किले तक पहुंचने के लिए। वो इसको जागीर मानते हैं, बाबर से लेकर औरंगजेब तक जो बर्बरता मुगलों ने की थी, मुझे शर्म आनी चाहिए हमारे किसी हिंदुस्तानी को उनको घर से आज याद करने की। ललित, मेरा एक पॉइंटेड क्वेश्चन, कश्मीरियत नहीं, जमहूरियत नहीं, इंसानियत नहीं, तो क्या रास्ता है? मैं बताता हूँ क्या रास्ता है, मैं बताऊँ। कश्मीर एक जियो मिलिट्री पोलिटिकल प्रॉब्लम है, समझना पड़ेगा, सब समझते हैं, लेकिन वो जो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बिल्ली के पैर में घंटी कौन बांधेगा। मैं समझता हूँ आपको, देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू में कोई प्रॉब्लम नहीं, लद्दाख में कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले अपनी समस्या को छोटा कीजिए, सीमित कर दीजिए कश्मीर के ऊपर। और कश्मीर में कौन लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं? वहां भी सुन्नी मुस्लिम शिया लोग उनके साथ नहीं है, बकरवाल उनके साथ नहीं है, गुज्जर इनके साथ नहीं है, अलग कर दिए, कश्मीरी हिंदू उनके साथ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कश्मीर जिहाद दुनिया भर में जैसे जिहाद की लड़ाइयां लड़ी जाती है, मिलिट्री प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू को अलग कर दीजिए स्टेट, लद्दाख को एक यूनिटरी बना दीजिए, कश्मीरी हिंदुओं के जो आपने मुख्य सवाल किया था, आज जो मोदी जी ने वहां कहा है, मैं थोड़ा उस पर बात कर रहा हूं। मैं जो कुछ आंकड़े हैं आज की तारीख में, देखिए कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मोदी जी ने कहा था कि यहाँ दो तरह के लोग हैं, कुछ पत्थर फेंक रहे हैं और कुछ पत्थर तोड़ रहे हैं, हमें जो पत्थर तोड़ रहे हैं उनको गले लगाना है और जो पत्थर फेंक रहे हैं उनसे निवेदन करना है को छोड़ें। बात आई गई, जो भी हुआ उसके बाद के डेवलपमेंट हैं। मैं आज आपको एक न्यूयॉर्क टाइम्स में 1 अगस्त को, ये हैं साहब जेफरी जेंटलमैन,
इनका एक आर्टिकल छपा हुआ है जो उन्होंने कश्मीर में रह करके तमाम चीजों, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बहुत क्रिटिकल चीजें हैं, लेकिन इसमें जो फैक्चुअल पोजीशन है जो उनके डेटा है और जो आर्मी का यहाँ पर है, उन्होंने दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि कभी कश्मीर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मिलिटेंसी करीब करीब सफाया हो चुका है। अच्छा। उन्होंने लिखा है कि कभी भी कश्मीर में 1000 से कम मिलिटेंट नहीं रहते थे, आज टोटल उनकी संख्या 250 के आसपास आ गई है, और कश्मीर में हर घर में ये लोग अब कहने लगे हैं कि जो जिस दिन कोई आतंकवादी बनता है 2 साल उसकी उम्र होती है। ये कश्मीर का सब जगह सरकार की जो, तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए कम से कम ये हो रहा है आज की तारीख में, ये बड़ा क्रिटिकल आर्टिकल है, कोई मोदी के फेवर में नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तथ्य ये है कि मिलिटेंसी करीब करीब अब वहां से खत्म होने का दौर है। यानी जो मेरा ये कहना है कि अगर कोई किसी तरह का कोई प्रोसेस शुरू करना है, जो आप कह रहे थे पत्थर फेंकने वाले और पत्थर तोड़ने वाले, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ये पॉलिसी बनाए, सरकार शुरू करे, लेकिन ये सही है कि ये मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी जो आपने जो ये आज डिबेट शुरू हुई, आपके जो ये पत्रकार बैठे हैं माजिद हैदरी साहब, उन्होंने एक बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल वाक्य कहा, आज 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस है, आप भी भारत के नागरिक, हम भी भारत के नागरिक हैं, ये कहना कि मुगलिया सल्तनत याद करने का आज एक अच्छा मौका, देखिए इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं, मुगलिया सल्तनत ही आपको याद आती है 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस को, तो ये देखिए ये समाज में बांटने का काम मत कीजिए, आज स्वाधीनता के संदर्भ में बात कीजिए, ये बहुत आपकी आपकी स्वाधीन सबसे पहले, देखिए आपको वैचारिक आजादी है, आप जो भी चाहे कहें, मैंने अपना वैचारिक आजादी है माजिद, आपकी बात से ना इत्तेफाकी रखे, इसमें आप टोक क्यों रहे, आप जब बोल रहे थे उन्होंने नहीं बोला एक बार भी, अब जब मैं उनसे पूछ रहा हूँ माजिद, उनको आपकी बात पे ऑब्जेक्शन लगा तो वो बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से इस पैनल पे बैठा एक भी आदमी आपके इस बयान के साथ नहीं खड़ा होगा, आपकी मजबूरी हो सकती है, आप श्रीनगर में रहते हैं, वहां पे आप प्रेशर में काम कर रहे होंगे माजिद, मैं समझ सकता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के जख्मों को कुरेदें, रगड़ें, परेशान करें, जब आप इस तरह की बात करेंगे तो इस तरह के रिएक्शंस दिल्ली से आपको सुनने को मिलेंगे, और ये रिएक्शन तो ललित अंबरदार का था जो कश्मीरी में अपने आप को, वो कह रहे हैं उनकी बात तो माननी पड़ेगी आपको, आपके कहने से क्या होता है। मैं एक ब्रेक के लिए यहां रुक रहा हूं, लेकिन जनरल साहब मैं आऊंगा माफी के साथ, इस आगे की बहस में जरूर देखिएगा कि जो बात ललित अंबरदार पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि कश्मीर की प्रॉब्लम सिर्फ कश्मीर तक है, उसको आइडेंटिफाई करके वहीं जाकर खत्म करना होगा, क्या वही एक रास्ता है। आगे बढ़े उसके पहले नतीजे देख लेते हैं, जनता क्या कह रही है इस डिबेट में। मोदी सरकार कश्मीर को आतंकवादियों और पत्थरबाजों से आजाद करा पाएगी, जनता उम्मीदवार है, 88% हां में जवाब दे रहे हैं। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है, ट्विटर पोल में भी ज्यादातर लोग 80% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, ज्यादातर को लगता है कि मोदी सरकार की नीतियों से आजाद हो पाएगा पत्थरबाजों से और आतंकवादियों से कश्मीर। मेरे साथ जनरल जैनी है, जनरल जैनी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, जनरल जैनी माजिद हैदरी की बात पर। जी जनरल साहब, जी सुमित, मैं इन आंकड़ों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, और ना ही जो वो आर्टिकल अभी पढ़ रहे थे बता रहे थे कि न्यूयॉर्क में उन्होंने बोला कि 1000 आतंकवादी से कम कभी भी नहीं रहे, मैं उससे भी सहमत नहीं हूं, कहां से किसने ये लिखा है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए सबसे बड़ी अहमियत की बात है कि कश्मीर में 2 एजेंसीज हैं जिनकी वजह से सारी प्रॉब्लम है। सबसे पहली एजेंसी पाकिस्तान, जब तक की के पाकिस्तान के प्रति हमारी एक कोजेंट कोहेरेंट और एक सस्टेन्ड पॉलिसी नहीं होगी, तब तक कश्मीर का कोई जमहूरियत कश्मीरियत इंसानियत काम नहीं करेगा। और दूसरा है ये माजिद हादरीन पार्टी, ये अलगावादी, ये सेपरेटिस्ट, जब तक ये कश्मीर के जमीन पर जिंदा हैं तब तक कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, क्योंकि ये पाकिस्तानी एजेंट है, सेपरेटिस्ट नहीं हूं, अपने गाने गाते हैं, अल्फाज को लगाम दे, मुस्लिम अपने अल्फाज को लगाम दे, मैं कोई ना पाकिस्तानी हूं ना मैं कोई सेपरेटिस्ट हूं, प्लीज Please, मैं एक सहाफी हूँ, जर्नलिस्ट नहीं। जी हाँ, प्लीज आप प्लीज, कहीं आर्मी कैंप में बैठ के अपने सबॉर्डिनेट से बात नहीं कर रहे, कश्मीर की जमीन पर से जमीन आप पर अपने अल्फाज वापस लें, ये जब तक कि के गिलानी, अब साबिर अली शाह
और ये हमको बता दीजिए माजिद साहब, माजिद साहब ये हमको बता दीजिए कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है जो रह रहकर कश्मीर के युवाओं को भड़का रही है, उनके हाथों में पत्थर दिलवा रही है, ये बहुत देशभक्ति का काम कर रही है, यही कश्मीरियत है? माजिद हैदरी आप तो साफ ही है, इंडिपेंडेंटली बोलिए, मगर किसी प्रश्न में हुर्रियत का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ये पब्लिक अगर आप स्पोक्स पर्सन नहीं है तो क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, जो आप देखते हैं लोगों क्रिटिसाइज जब कर सकते हैं, मारते हैं तो वो सेंटिमेंट है, जब वो सड़कों पर निकलते हैं तो वो एक सेंटिमेंट है, यहाँ पे एक सेंटिमेंट है। आप हुर्रियत को तो जेल में बंद कर सकते हैं लेकिन सेंटिमेंट को बंद नहीं कर सकते। हैदरी अभी आपने फ्रॉडियन स्लिप का एहसास दिलाया सबको, यही आपने बिल्कुल हकीकत बोली, और ये सेंटिमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल के आ रही है। देखिए कश्मीर एक एक करके, जनरल साहब एक मिनट, कश्मीर की समस्या क्या, जो ये कहते हैं कश्मीर विभाजन का अधूरा एजेंडा है, ये कश्मीर के इस्लाम परस्पर कहते हैं, पाकिस्तान भी यही कहता है। अब बताइए कि जो विभाजन हुआ था वो विभाजन किस आधार पे हुआ था? दो नेशन थ्योरी के आधार पे हुआ था कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, वही चल रहा कश्मीर के अंदर। और मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी को बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की मेहरबान पॉलिसी थी कि जो 370 और 35A की वजह से कश्मीर में दो नेशन राजनीति चलती रही, जिन्ना वहां जिंदा रहा कांग्रेस की गलती की वजह से। और अब क्योंकि आप बात कर रहे हैं मोदी जी की, बात कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ मोदी जी ने आज जो भाषण दिया है एक प्रधानमंत्री का, आज इस पावन अवसर के ऊपर मैं उन्होंने बोला वो सही, हरीश लेकिन हरीश जी समस्या का समाधान तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उस बैल को उसके ललित जी एक जी, आपने कांग्रेस का नाम लिया, नेरुविन पॉलिसी का नाम लिया, 370 का नाम लिया। रावत जी को जवाब देने दीजिए, रावत जी कांग्रेस है समस्या की जड़, कांग्रेस की नीतियां। जब तक आपकी बहसों में जब तक आपकी टीवी डिबेट्स में इस तरीके के एक्सट्रीम व्यूज के लोग एक्सट्रीमिस्ट शब्द के लिए मैं माफी चाहता हूँ, एक्सट्रीम व्यूज के लोग बैठेंगे, ये और कंफ्यूजन को बढ़ाने का काम करेंगे। जिस सवाल पर आप सुनिए आप अभी कह रहे थे ना पीडीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन गलत था, आपका पीडीपी के साथ गठबंधन था, कश्मीरी हिंदुओं का कसाई माना जाता है बिट्टा कराटे, वो आपके मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की देखरेख में छोड़ दिया गया, खुला घूमना कश्मीर के अंदर। आज तक आप लोगों ने पूरे राजनीतिकों ने एक कश्मीरी हिंदू के रेपिस्ट मर्डर मास मर्डर को किसी कानून के अंतर्गत लिया नहीं लिया, आप भी वही कर रहे हैं जो ये नेहरू पॉलिसी है, आप नहीं करते कश्मीर नहीं होता। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट ललित, लेट हिम रिस्पॉन्ड। हरीश रावत जी को बोलने दीजिए। रावत जी आप बोलिए, ताकि 30 सेकंड फायदा लिया जा सके, इस्तेमाल करना चाहती है। यदि कश्मीर को आप एक चुनावी एजेंडे के रूप में लेंगे तो इससे नुकसान होगा, नुकसान होगा। कश्मीर में पाकिस्तान पनप रहा है आप लोगों की पॉलिसी की वजह से। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं, कश्मीर खाली नहीं है, बिल्कुल कोई समझौता कश्मीर पे करोगे तो हिंदुस्तान में हजार कश्मीर पैदा होंगे। ये फोरम से हटके रखिए, ललित एक मिनट, ये फोरम ललित हिंदुस्तानी है, कश्मीरी पंडित है और विस्थापितों की तरह दिल्ली में रहते हैं जम्मू को छोड़ के। देखिए एक मिनट, तू ही बोलना चाह रहे हैं, दो राजनीतिक शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ कि कश्मीर जैसे संवेदनशील मामले पे दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां एक साथ क्यों नहीं खड़ी हो सकती, क्यों देश की बात छोड़ दी जा रही है? तो इनसे ना देखिए सुमित जी, कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर एक बहुत विचित्र फेज में है, जहाँ की ये जो तबका है माजिद कादरी का, बाबर कादरी का, उस तबके वो तबका सहयोग मांगे तो सही, वो तबका जो है आज छोटा होता जा रहा है, और साथ ही
साथ ही एक बहुत बड़ा तबका है जो पूरी तरह से निराश हो चुका है सेपरेटिस्ट से, पूरी तरह से निराश हो चुका है वहां के एग्जिस्टिंग रीजनल पार्टी से। ये जो है अचानक हूबहू नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले 3 साल में विद ऑल द लिमिटेशंस हमने एक पॉलिसी रखी थी, पाकिस्तान एजेंट्स और रेडिकल एलिमेंट्स के साथ कोई समझौता हमने नहीं किया, लेकिन साथ ही वहां के डेवलपमेंट के लिए और वहां के लोगों को स्नेह से जीतने का हर प्रयास किया। आज वो दिन दूर नहीं है जब शायद आज से 5 साल बाद भाजपा अपने बलबूते पे वहां सरकार बनाएगी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस छोड़ दी। अनंतनाग में उपचुनाव नहीं हुए, पंचायत चुनाव की बातें की जा रही है, बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी को देना है। ललित बोलना चाह रहे हैं कुछ आपसे भी। तुहीन जी, मैं आपसे आपको बताना चाहता हूँ, कश्मीर में डेवलपमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। मैं उन कश्मीरी पृथकतावादियों का इस बात से सहमत हूं, आज तक किसी पृथकतावादी ने यह नहीं बोला कि हमारी मुहिम इसलिए चल रही है कि हिंदुस्तान की तरफ से हमारे यहां डेवलपमेंट नहीं है। सुनिए, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तानी ने हिंदुस्तान के एक्सचेकर ने यह बिल्कुल इंश्योर करके रखा हुआ कि कश्मीर का मुसलमान हिंदुस्तान के किसी अन्य हिंदुस्तानी से बेहतर जिंदगी रहता है। उसका लाइफस्टाइल देखिए, हमारे घर वहां पे घोड़ी के बाग खरीदे करोड़ों की संपत्ति। ये आवाज है कश्मीरी पंडित की है जो परेशान है। देखिए माजिद साहब, मैं जानता हूं कि आप नाम में सर हिला रहे हैं, आपके अपने व्यू पॉइंट होंगे, लेकिन सवाल इस बात का कि जो बात आज मोदी सरकार कह रही है इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की, क्या ये फॉर्मूला है कश्मीर में शांति प्रक्रिया को बहाल करने का? क्या इस तरीके से मोदी की सरकार, मोदी की नीति कश्मीर के लोगों का दिल जीत सकती है इन 4.5 सालों के कामकाज के बाद? इस पर हम सबकी नज़र आगे भी बनी रहेगी। अभी इतना ही, चलते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ।